आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती और महाराजगंज जनपद के हम इस वक्त नौतनवा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्कूली बच्चों की एक मानव श्रृंखला तैयार की गई है। मानव श्रृंखला की क्या विशेषता आपको बता दें कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लगभग हर जगह स्कूली बच्चे जो है लगभग 9 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जैसा जहाँ पे स्तर है वहाँ पे स्कूली बच्चे एक मानव श्रृंखला तय कर रहे हैं और वहाँ पे मानव श्रृंखला में यह संदेश दिया जा रहा है कि बच्चों के द्वारा किस तरह से सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं बता दें आपको कि ये कहीं ना कहीं ये बच्चों के द्वारा समाज को एक जोड़ने का एक बढ़िया संदेश है जिसमें प्रशासन की भी भूमिका रही है। जो प्रतिनिधिगण है प्रतिनिधिगण भी बता दें आपको नौतनों की बात करें तो यहाँ पे अभी विधायक जी यहाँ पे आए थे उनके साथ ब्लॉक प्रमुख और भी कई सारे जो है नेता लोग थे वह लोगों को यहाँ पे संदेश दिए हैं और जो है सड़क सुरक्षा माह के प्रति जो कर्तव्य है वह कर्तव्य के प्रति लोगों को जो है यहाँ पे शपथ दिलाई गई है। किस तरह की जो है मानव श्रृंखला है और उससे क्या संदेश दे रहा है? देखिए आज मानव श्रृंखला का ये कार्यक्रम रखा गया है और आपने देखा होगा कि इसमें सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। विद्यालय प्रशासन विद्यालय के प्रबंधक जितने लोग थे सबने इसको इस तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए इसके लिए कड़ी मेहनत की थी और इसको यातायात के नियमों को जागरूक करने के लिए अभी हमने शपथ भी दिलाई है और यातायात नियमों का पालन करने के लिए मानव श्रृंखला का जो कार्यक्रम रखा गया था। सर नौतनों के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व रहा है और जो 4100 बच्चे यहाँ पे जो है जो संदेश दे रहे हैं उनको आप एक विधायक के रूप में किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं सभी यहाँ जितने छात्र छात्राएं हैं सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निरंतर मैं कोई भी कार्यक्रम किसी विद्यालय में होता है चाहे लैपटॉप बांटना हो चाहे छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और प्रयास ही नहीं लगभग मैं पहुँच भी जाता हूँ और आज जिस तरीके से यहाँ बच्चों ने छात्र छात्राओं ने इतना ये सफल कार्यक्रम किया यातायात के नियमों को बताने के लिए इसके लिए उन्हें मैं बधाई देता हूँ समस्त विद्यालय छात्र छात्राओं को और आगे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। सर मानव श्रृंखला आज निकाली गई है जो है किस तरह का कार्यक्रम है और बच्चों के प्रति क्या संदेश दिया है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा समस्त विद्यालय के छात्र छात्राओं को मानव श्रृंखला यातायात के नियमों का पालन करने के लिए उसके प्रति संपूर्ण समाज को जागरूक करने के लिए यह आयोजन किया गया है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सड़क सुरक्षित सफर सुरक्षित प्रदेश ये हमारा नारा है। इसके तहत आज 11 बजे बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई है। सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज मानव श्रृंखला बच्चों द्वारा निकाली गई है। प्रशासन की किस तरह की भूमिका है क्योंकि 4100 बच्चे हैं और लगभग 9 किलोमीटर का सफर है तो किस तरह का प्रशासन की भूमिका है? देखिए इस पूरी जो आज यहाँ पे मानव श्रृंखला निकाली गई है इसको समझने के लिए पहले इसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी सड़क सुरक्षा की। अगर हम लोग आंकड़ों पे जाएं तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती है और यूपी में लगभग 20,000 लोगों की। इसके अलावा कितने लोग अपंग हो जाते हैं कितना आर्थिक नुकसान होता है गाड़ियाँ खराब हो जाती है जल जाती हैं तो इस तरह के जो आर्थिक नुकसान हुए उन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए और ये भी देखा गया है कि जो सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केवल जो अवसंरचनात्मक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं केवल उन पर नहीं फोकस किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ बिहेवियरल है। बिहेवियरल का मतलब आपके व्यवहार संबंधित जहाँ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है तो इसलिए क्योंकि चीज़ें इसमें बिहेवियरल चीज़ें शामिल हैं तो इस चीज़ को एक मास मूवमेंट के आधार पर जैसे हम लोगों ने पहले भी पूर्व में देखा होगा कि जब स्वच्छ भारत योजना चली थी तो उसमें एक मास मूवमेंट हम लोगों ने खड़ा किया था प्रशासन ने सरकार की मंशा पे तो उसी सरकार की मंशा के आधार पर हम लोग और सरकार ये लोग चाह रही कि हम लोग जो व्यवहार है उसको व्यवहार एक तरीके से मोड़े उनका किस दिशा में कि वो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उनका पालन करें एक व्यापक स्तर पर लोगों के दिमाग में और एक मोमेंट हो जाए कि हाँ नहीं हमको ये करना ही करना है तो इसलिए हम लोगों ने आज ये किया है। ये शासन के स्तर पर दिखाया जा रहा है और हम लोगों ने इसको पूरा सुचारू रूप से यहाँ पे लगभग अगर 20-25,000 लोग यहाँ पे रहे होंगे बच्चे जो यहाँ पे हमारे छात्र छात्राओं ने विद्यालयों के बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपना यह योगदान दिया है ये सराहनीय कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये उत्तर प्रदेश शासन की दूरदर्शिता है उनकी एक सराहनीय पहल है कि बच्चों को आगे करके उनके अभिभावकों को परिजनों को
ये नसीहत देना कि दो पहिया वाहन चलाने से पहले पिताजी हेलमेट लगाना कितना आवश्यक है, चार पहिया वाहन चलाने से पहले सीट बेल्ट लगाना कितना आवश्यक है, नशे के हालत में हमें वाहन नहीं चलाना चाहिए, यातायात जागरूकता संबंधी जो भी नियम बनाए गए हैं वो जीवनोपयोगी है और उसको अमल में लाने के लिए बच्चों को आगे करके शासन ने यह जो योजना बनाई है ये अपने आप में अनूठी पहल है। मैं इसकी मुक्त कंठों से प्रशंसा करता हूं क्योंकि बच्चों का प्रभाव उनके परिजनों पर काफी परिणामकारी होता है, असरकारक होता है। इसलिए मानव श्रृंखला के रूप में बच्चे जो आज खड़े होकर के शपथ लिए हैं, ये प्रत्येक परिवारों में जो संदेश जाएगा इसका बहुत, इसी जयंती पर हम सभी उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बच्चों की आज मानव श्रृंखला निकाली गई है नौतनवा क्षेत्र में, इसमें बच्चों को क्या संदेश दिया जा रहा है? सर ये देखिए भारत के भावी भविष्य है और यही चल करके जो आज हमारा पुराने लोगों ने जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक भारत को संदेश दिया कि आप एक अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे, इन्हीं में से लड़के आगे चल करके भारत के प्रति इनकी इतनी अच्छी सोच बने कि ये भी स्वामी विवेकानंद के पथों पर चलें और भारत को एक अच्छी दिशा और दशा दें। सर इसमें आज जो है नौतनवा के क्षेत्र के लगभग 14 स्कूलों को सम्मिलित किया गया जिसमें लगभग 41 बच्चे हैं, तो बच्चों के द्वारा जो मानव श्रृंखला बनाई गई है उसमें इनकी क्या भूमिका है? देखिए मानव श्रृंखला हमारे चारों तरफ सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको हम इस श्रृंखला को बना करके मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप लोग जानिए और जानने के बाद सभी लोग शिक्षा की तरफ जागरूक हो जिससे भारत का हर आदमी जो है एक न एक पदों पर जाए और भारत का जब एक नागरिक जो है एक न एक नागरिक हर पदों पर जाएगा तो भारत का बहुत सुदृढ़ विकास होगा और हमारे भारत के जो भावी भविष्य है यही लोग मिल करके भारत को एक अच्छा भारत बनाएंगे। आज मानव श्रृंखला निकाली गई है आप लोगों के द्वारा, आप लोग समाज में किस तरह का संदेश दे रहे हैं? हम लोग समाज को एक नई दिशा परिवर्तन देना चाहते हैं क्योंकि यह जीवन अत्यंत हमारे लिए लाभदायक है, इस जीवन में हमें सुरक्षित एवं संरक्षित करना है एवं लोगों को इस रूप में बताना है कि आप स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं तभी कोई दूसरे को प्रस्तावना दे सकते हैं और हम लोग का अहम भूमिका रहा और हम लोग का यही विनती है कि आप लोग स्वयं सुरक्षा रहें और दूसरों को सुरक्षित बनाएं, इस देश की एक नई पहचान और एक नई दिशा के साथ अपने देश को तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। जो आपका जो थीम है जैसे सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो क्या आप जो है अपने भावकों को या समाज को किस तरह से सुरक्षा के प्रति सचेत करेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने मतलब जैसे हम लोग अपने आप सबको जागरूक कर रहे हैं वैसे आप लोग भी हम लोग के साथ लेकर मतलब जैसे हम लोग के साथ भी सुरक्षित रहिए। हमें बताया गया है कि सड़क सुरक्षा के जीवन रक्षा के प्रति आपका एक गाना भी है और हाँ। बहुत सारे लोगों को जो है पसंद किया था, हम चाहेंगे कि आप दो लाइन इसमें गाके दिखाइए। सड़क सुरक्षा जीवन के लिए होती है, सड़कों पर अक्सर दुर्घटना होती है, पीकर शराब मोटर कार चलानी ना चाहिए, बत्ती होकर लाल चौक पर रुक जाना चाहिए, ओवरटेक करे कोई तो साइड देनी चाहिए, फोन की लीड भूल कर भी हमें कान में नहीं लगानी चाहिए। बच्चों को लेकर के रैली जो निकाल रहे हैं मारो श्रृंखला बना करके, आज हम लोग समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी स्पीड कम हो, हेलमेट लगा के चलिए, यातायात के नियमों का पालन करिए, जिससे मतलब आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं तो एक जीवन के साथ कई जीवन जुड़ा हुआ है और बहुत सारी बातें हैं जो हमको ही देखना है, इसलिए हम लोग आज बच्चों को लेकर के समाज को एक नई चेतना नई राह पर ला के खड़ा करना चाहते हैं कि आप लोग अपने यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, कम स्पीड में चलें, इस तरह से हम लोग जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एक निर्देश मिले, एक सीख मिले। बच्चों के द्वारा जो मानव श्रृंखला बनाई जा रही है उसके लिए बच्चों द्वारा इनका क्या भूमिका है इसमें? इनमें इनका यही भूमिका है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, एल्डर हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं, वो लोग
सारे नियमों का पालन कर करके हम लोगों को सुरक्षित करें। थैंक यू। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी की 123वीं जयंती पर हम सभी उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी विद्यालयों से आए छात्र छात्राएं जिन्होंने, मैं सुबह से देख रहा हूँ, मानो श्रृंखला के लिए जो मेहनत की है उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। अब हम जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है उसके लिए आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आप सभी अब यहाँ पे मैं बोलूंगा और आप सभी उसको दोहराएंगे और शपथ लेंगे। और दहिना हाथ अपना आगे कर लें तो कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं व पीछे बैठे व्यक्ति को DIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनेंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे, लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद जय भारत। प्रदेशिया जी, SDM महोदय मिश्रा जी, CO अनु सिंह जी, प्रशासनिक अधिकारीगण, भाजपा के नेता प्रदीप पांडे जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, बच्चूलाल चौरसिया जी, अजय ग्रहरी जी, नौतनवा के चेयरमैन बुद्धू खान जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता साथी, सम्मानित नागरिक एवं यहाँ पे आए समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राएं, मीडिया बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है और आभार है कि जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने इतना सहयोग किया, इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज आपने देखा होगा कि मानो श्रृंखला की जो हमने ये दूर तक कड़ी देखी है, मैं अभी दूर से आ रहा हूँ और जिस तरीके से हमारे छात्र छात्राओं ने, विद्यालयों के बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के लिए अपना यह योगदान दिया है, ये एक सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं को बधाई देता हूँ। साथियों, कल ही बताया गया था कि आज यह कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे जितने समय से आप सभी के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है, निश्चित तौर पे इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।
यातायात नियमों का पालन करने के लिए हमने अभी जो शपथ ली है, निश्चित तौर पर हम अगर इसका पालन करें तो जो रोज आप देखते होंगे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो जाती है, उससे हम बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पे आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।